गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब तक हमने ए से एच तक लिखना सीख लिया है, उसके बाद आता है आई। तो चलिए हम आई लिखना सीखते हैं। मेक अ स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन एंड वन मोर स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया? आई। आई इज फॉर आइसक्रीम, इंक पॉट, इंसेक्ट, इग्लू। ठीक है, ऐसे ही आपको तीन बार और प्रैक्टिस करनी है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, वन मोर स्लीपिंग लाइन। उसके बाद आता है जे। जे बनाने के लिए सबसे पहले मेक अ स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, और नीचे लाते हुए आपको एक कर्व बनाना है ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया। जे इज फॉर जग, जे इज फॉर जोकर, जे इज फॉर जार, जे इज फॉर जेलीफिश। ऐसे ही आपको थ्री टाइम्स लिखना है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। उसके बाद आता है के। मेक अ स्टैंडिंग लाइन, वन स्लांटिंग लाइन एंड अनदर स्लांटिंग लाइन। बन गया के। के इज फॉर काइट, के इज फॉर की, के इज फॉर कैटल, के इज फॉर किंग। स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड वन मोर स्लांटिंग लाइन। उसके बाद आता है एल। मेक अ स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन। ये बन गया एल। एल इज फॉर लीफ, एल इज फॉर लैंप, एल इज फॉर लिप, एल इज फॉर लेडीबग। ऐसे ही आपको थ्री टाइम्स लिखना है, मेक अ स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन।